जहां जान चली गई, रोजगार चले गए, नौकरी चली गई, व्यापार चला गया, और हमारे यही शिक्षक जो हमें पढ़ाते भी हैं, हमारे भविष्य को बनाते भी हैं, हमारे दिल और दिमाग को ठीक करते हैं, यही हमारे शिक्षक समय आने पर हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें जीवन भर हम कैसे बने। अगर हम पढ़ाई में कमजोर हैं तो हमें उत्साह देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे शिक्षकों को भी जब जरूरत थी तो सरकार ने इनको धकेल दिया। हमारे शिक्षक ड्यूटी पे लगे रहे, चुनाव में ड्यूटी में रहे, और जब जान चली गई तो सरकार आगे नहीं आई मदद करने के लिए। पूछा सरकार से कि कितने शिक्षकों की जान गई। शिक्षकों की जान जाने का जो आंकड़ा सरकार ने बताया कि 3 गए हैं, 3 शिक्षकों की जान गई। लेकिन जब शिक्षक संघ के लोगों ने जानकारी दी तो बताया 1600 के लगभग हमारे शिक्षकों की जान चली गई। कोई मदद सरकार ने नहीं की। 1600 के लगभग हमारे शिक्षकों की जान चली गई। दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की, यूपी में भी सरकार बीजेपी की। बताओ हमारे शिक्षक भाइयों किसकी मदद हुई, किसके परिवार की मदद हुई? शिक्षकों की मदद नहीं हुई। आंकड़ा भी छिपाया, पहले का 3 की जान गई, बाद में सरकार को चुप होना पड़ा जब 1600 की सूची आ गई। यही हमारे शिक्षा मित्र के लोग, हमारे शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, ये शिक्षा मित्र वाले साथी जिस समय समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने सम्मान दे करके इनको समायोजित करने का काम किया था। हमारे शिक्षा मित्र जानते होंगे, उनको अगर किसी ने सम्मान दिया था सरकार में तो समाजवादी लोगों ने उन्हें सम्मान देने का काम किया। लेकिन उनका सब कुछ छिन गया। उनका घोषणा पत्र उठाइए, बीजेपी के लोगों का घोषणा पत्र, ताकि हम शिक्षा मित्रों को सम्मान देंगे, उनको समायोजित कर देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, शिक्षा मित्रों को भी धोखा देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज शिक्षक खड़े हैं सड़क पर, मानदेय देने का काम शुरू हो गया था, अभी कुछ लोगों ने काम है यहां पर भी। 3 वालों के लिए रास्ता निकाला था समाजवादियों ने, वित्तहीन वालों की भी मदद सरकार नहीं कर पा रही है। ये पुरानी पेंशन किसने छीनी? बीजेपी ने छीनी। ये शिक्षा मित्र किसने बनाए थे? बीजेपी ने बनाए थे, और बाद में उनकी जान भी ले ली और उनको नौकरी से भी बाहर करने का काम किया। इतना शिक्षक और नौजवान पे कभी लाठी नहीं पड़ी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, जो अधिकार हमें संविधान ने दिए, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम तो राष्ट्र प्रेम है हमारे अंदर, राष्ट्र के लिए जीते मरते हैं, बताओ ये कहा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन हम उन्हीं से जानना चाहते हैं, बताओ राष्ट्र की संपत्ति कौन बेच रहा है? हमें नहीं लगता किसी की जेब में यहां पर पैसा होगा। अगर जेब में पैसा हो तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है कि अगर आपको ट्रेन खरीदनी हो तो ट्रेन खरीद लो, पटरी खरीदनी हो तो पटरी खरीद लो, हवाई जहाज खरीदना हो तो हवाई जहाज खरीद लो, एयरपोर्ट खरीदना तो एयरपोर्ट खरीद लो, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो भी पोर्ट खरीद लो, ये फैसला ले रही है भारतीय जनता पार्टी। सोचो हमारे भारत की संपत्ति बेच रहे हैं, बताओ बिकने लगा कि नहीं बिकने लगा? और इनका बस चला तो हो सकता है गंगा में पानी का जहाज चलने वाला भी ये बेच दें किसी न किसी प्राइवेट आदमी को देने के, जाओ चलाओ जाके। सोचो हमारे निषाद बिन समाज का क्या होगा, जो नाबक है उनका क्या होगा,
नाव चलाने वालों का क्या होगा? और जब ये बीमारी आई दोबारा, आज हम कोई मास्क नहीं लगाए। मैं जब हेलीकॉप्टर से उतरा तो मैं मास्क लगाए हुए था, हमें भी कानून का पालन करना था। लेकिन जैसे ही सभा